तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि होली का त्यौहार आने वाला है। तो त्यौहार जब तक कंप्लीट नहीं होता, जब तक आप कुछ अपनी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक ना कर लो या फिर अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक ना करवा लो। तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। एंड आज जो हम शूट करेंगे उसके लिए आपको बेसिकली दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट पे है स्मोक बम। तो स्मोक बम अभी मेरे पास में नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी शूट कर लिया है एंड ये वाला पार्ट हम लास्ट में शूट कर रहे हैं तो वो ख़त्म हो चुका है। एंड गुलाल की जो आप कोई से भी कलर का यूज़ में ले सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप रेड, येलो, ऑरेंज या फिर ब्लू या फिर पर्पल कलर का लो तो वो ज़्यादा बेटर लगेगा। अगर पॉसिबल हो तो आप रेड लो या फिर ब्लू लो या फिर येलो लो, वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे फर्स्ट फ़ोटोज़ की तरफ चलते हैं। तो अगर आपको कुछ जो आपकी स्क्रीन की तरफ आ रही है, अगर आपको कुछ इस तरीके की फ़ोटो क्लिक करवानी है तो आपको सिंपली गुलाल की ज़रूरत पड़ेगी एंड सेकंड आपको स्मोक बम की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्मोक बम को आपको जला लेना है सबसे पहले एंड आपको कैमरे के आगे की साइड रखना है, थोड़ा सा आगे रखना है ताकि वो स्मोक बम का इफ़ेक्ट पूरा बने। एंड गुलाल से आपको अपने मुँह के ऊपर लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा एकदम सिंपली जैसे इस फ़ोटो के अंदर लगा हुआ है वैसे लगाना है। एंड देन आपको फ़ोटोज़ को क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आप अपर्चर f1.8 या फिर 2.8 पर रख सकते हो एंड ISO आप कम रखें। एंड आप, हाँ, अगर आप दिन में शूट कर रहे हो तो आप शेड्स का यूज़ करें या फिर कहीं पे छाया वगैरह हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो अब सेकंड फ़ोटोज़ की तरफ चलते हैं एंड सेकंड फ़ोटो हम कुछ इस तरीके की क्लिक करेंगे जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है। अब अगर आपको इस तरीके की फ़ोटो क्लिक करनी है तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको अपने मुँह के ऊपर सबसे पहले गुलाल लगा लेना है, थोड़ा सा लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। एंड सेकेंड आपको अपने हाथ के ऊपर अलग अलग कलर्स के गुलाल को इकट्ठा कर लेना है या फिर उसको एकदम से रख लेना है एंड आपको ऐसे करना है तो जो भी मतलब इफ़ेक्ट आएगा वो अच्छा आएगा। पर जब भी आप ऐसा करें तो एकदम फेस के आगे ना करें, क्योंकि फेस के आगे अगर आप करेंगे तो वो पूरा फेस धूल से या फिर जो भी गुलाल से भर जाएगा तो आपको उसमें आपका फेस विजिबल नहीं होगा। तो आपको सिंपली उसको थोड़ा सा मुँह के नीचे की साइड करना है ताकि जो भी गुलाल उड़े वो आपके मुंह के ऊपर ना आए, वो थोड़ा सा नीचे आए जिससे आपका फेस एकदम क्लियर आए। एंड अब हम चलते हैं हमारी थर्ड फ़ोटो की तरफ। तो थर्ड फ़ोटो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड इसको अगर आपको क्लिक करना है तो आपको इसके लिए DSLR की ज़रूरत पड़ेगी या फिर मिररलेस की ज़रूरत पड़ेगी। ये बेसिकली बिना DSLR मिररलेस के नहीं हो पाएगा। तो सिंपली इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ये फ़ोटो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, अगर आपको कुछ इस तरीके की फ़ोटो क्लिक करनी है तो सिंपली आपको अपना अपर्चर हायर नंबर पे रखना है। हायर नंबर का मतलब होता है कि अपर्चर जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना ज़्यादा आपका सनबस्ट इफ़ेक्ट आएगा, जैसा कि इस फ़ोटो के अंदर आ रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, अपर्चर को 16 पे रखिए, 12 पे रखिए या फिर 22 के ऊपर रखिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 16 के ऊपर रखिए, वो स्वीट स्पॉट होता है, वहाँ से आपका लेंस की क्वालिटी डिग्रेड नहीं होगी। अब f16 के ऊपर रखिए। देन आपको क्या करना है, आपको अपने कैमरा को लाइव मोड के अंदर लेके जाना है एंड इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि सन को आपको पार्शली दिखाना है। पार्शली दिखाने का मतलब ये होता है कि आपको सन को शेड्स के अंदर दिखाना है या फिर जैसे इस फोटो के अंदर सन पीछे की तरफ से आ रहा है एंड मॉडल के ऊपर की तरफ से आ रहा है, तो इसमें आपका सन पार्शली शूट होगा। अगर आप इसको डायरेक्ट करोगे तो ये आपके सेंसर के लिए और आपकी आंखों के लिए दोनों के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको सिंपली उसको पार्शली करना है, देन आपको उसको शूट कर लेना है एंड इसको लाइव मोड के ऊपर शूट करें। आप थोड़ा सा कैमरे को एंगल देंगे या फिर थोड़ा सा हिलाएंगे तो फिर वो अच्छा आएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर सनबस्ट इफ़ेक्ट आ रहा है तो अब मुझे यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, अब शूट करते करते अंधेरा हो चुका है। तो आई होप ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप क्लिकिंग एंड कीप एडिटिंग।